नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा अपने इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम शूट करने जा रहे हैं फ्री एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन Part-7, जिसके अंदर हमने मैक्सिमम नाम लिए हैं और कुछ इसके अंदर हमने मैच मेकिंग की भी रिक्वेस्ट ली है, जो मैच मेकिंग की वीडियोस के अंदर हमारी रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कम थी और उसके लिए सेपरेट वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो मैच मेकिंग की रिक्वेस्ट भी हमने इसके अंदर ली है और हम मैच मेकिंग भी इसके अंदर करेंगे। एक बात और मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अब फ्री एस्ट्रोलॉजी का जो होगा, हमने एक सिस्टम बना दिया कि हर संडे को ये वीडियो रिलीज होगा, हर संडे को ये वीडियो एयर होगा, जिसके अंदर आप फ्राइडे तक अपनी जो भी रिक्वेस्ट आपकी होती है वो फ्राइडे तक आप डाल सकते हैं। फ्राइडे के बाद की जो रिक्वेस्ट होंगी वो फिर नेक्स्ट वीक में कंसिडर होगी, या आप जो लेटेस्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आप अपना कमेंट कर सकते हैं अपनी फ्री सर्विसेज के लिए। तो आज शुरू करते हैं हमारा फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज Part-7। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन जो हो कोशिश कीजिए कि क्लियर और क्रिस्प हो, ताकि मैं आसानी से आप उसका जवाब दे सकूं। तो समय नष्ट करे बिना शुरू करते हैं। पहला नाम हमारे पास आया है मिनाटी महोपात्रा जी का। ये अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ है। इनका क्वेश्चन है फॉर मैरिज डेट एंड जॉब। मैरिज एंड जॉब क्वेश्चन, देखिए ये इनका क्वेश्चन है टेल मी अबाउट हर मैरिज एंड जॉब। अब मैं क्या बताऊं कि मैरिज कब होगी या मैरिड लाइफ कैसी होगी, जॉब नई जॉब की तरफ तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तरफ तैयारी कर रहे हैं। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, इनके जवाब मेरे लिए देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं अवॉइड भी नहीं करना चाहता कि मैं सीधा मना कर दूं कि मैं इनके जवाब नहीं दे पाऊंगा जब तक आप क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि आपने देखिए रिक्वेस्ट की हुई है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ ना कुछ जवाब इसका दे सकूं। फिर भी मैं इसका चेक करता हूं। देखिए सर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आपकी डॉटर की जो हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी के लिए ऐसा भी नहीं है कि कोई प्लैनेट्स नेगेटिव हो, मगर थोड़े से वीक है जिसे मैं कहूंगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी डॉटर को थोड़ी सी एंग्जाइटी बहुत है। एंग्जाइटी बहुत होने के कारण वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, सिचुएशंस के अंदर बहुत जल्दी वो परेशान हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि क्या डिसीजन लेना है, क्या घबराहट बहुत जल्दी हो जाती है, फ्यूचर को लेके एक बड़ी जल्दी घबराहट हो जाती है। मगर साथ साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपका सपोर्ट बहुत है, पेरेंट्स सपोर्ट बहुत है, और ये पेरेंट्स सपोर्ट हमेशा इनके साथ रहेगा और हमेशा सपोर्ट ही इनको बाहर निकालेगा। मगर कई बार ओवर सपोर्ट जो होता है वो आदमी को डिसीजंस लेने में थोड़ी सी दिक्कत कर देता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप सपोर्ट उनको कीजिए हमेशा, और कोशिश करके कि वो सपोर्ट पॉजिटिव वे में जाए। और शादी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्लान नेगेटिव है, मगर हाँ शादी कब होगी इसके लिए मुझे प्रश्न कुंडली लगानी पड़ती है कि शादी का कौन सा मंथ या कौन सा साल लगाने के लिए। वो उसके लिए मैं जब लाइव सेशन शुरू करूंगा तो मैं आपसे जरूर, आप जुड़े रहिए तब आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, तो मैं आपको जरूर उसमें हेल्प करूंगा कि शादी की डेट्स, महीना, साल जो भी है मैं इसमें निकाल पाऊंगा। जॉब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस फील्ड में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, देखिए आपकी बेटी के अंदर एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपकी बेटी के अंदर एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, कन्विंसिंग पावर भी है, ये किसी को एक्सप्रेस बड़ा अच्छा कर सकती हैं, गाइड बड़ा अच्छा कर सकती हैं। अगर ये टीचिंग लाइन में जाए तो अच्छा है, फिटनेस में अगर कोई दिक्कत ना हो तो ये उसमें भी जा सकती हैं, किसी ट्रेनिंग या किसी एरोबिक्स या इस तरफ भी इनका स्कोप अच्छा जाने के चांसेस है, क्योंकि इस टाइम ये हार्डवर्क बहुत कर रही है, हार्डवर्क इनका बड़ा हुआ है लाइफ के अंदर, तो हार्डवर्क आया हुआ है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन भी आई हुई है। बाकी अभी टाइम पॉजिटिव है, आप जॉब जो भी ये ट्राई करेंगे जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अच्छी जॉब और मनपसंद जॉब के लिए मेरे को प्रश्न कुंडली लगानी पड़ती है, तो उसका जवाब मैं लाइव सेशन के अंदर आपको दे दूंगा। तो अगली रिक्वेस्ट लेते हैं। हमारी अगली रिक्वेस्ट है अवनीत सिंह जी की। अवनीत सिंह जी का सवाल है, फाइनल ईयर में है, बीटेक खत्म होगी, मेरा क्वेश्चन है कि तो मुझे ऐसे मैकेनिकल जॉब मिल जाएगी और सर कितने इयर्स लगेंगे मेरे को सेटल होने में। पहले मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ लगा देता हूँ। जैसा कि मैं आपका चार्ट देख पा रहा हूँ नीजी,
आपकी चार्ट के अंदर बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी भरी हुई है। आप एक काम कर रहे हैं मगर आपको फ्यूचर की जो चिंता है वो बहुत ज्यादा आपको करंट काम आपको नहीं करने दे रही। आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पार्टनरशिप में जब भी आप किसी के साथ भी कोई भी काम पार्टनरशिप का सोचते हैं या करने की सोचते हैं आपको उसमें लॉस होता है, तो अवॉइड कीजिएगा हमेशा पार्टनरशिप जो करें तो इस तरीके से कीजिए कि उसमें आप हमेशा चैतन्य रहें कुछ भी काम करने से पहले। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आप जॉब के साथ साथ या कुछ और करने की भी, तो उसमें भी थोड़ा सा चैतन्य होके करें। इस टाइम आपकी लाइफ में स्ट्रगल आया हुआ है पिछले 1-2 महीनों से, शायद आप पढ़ाई के लिए या एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर की जो तैयारी कर रहे हैं इसको अच्छे तरीके से कीजिए क्योंकि ये स्ट्रगल के बाद आपको बेनिफिट होगा। देखिए अभी आप फॉरेन का सोच रहे हैं, फॉरेन के आपके पूरे जाने के चांसेस हैं। अब नेक्स्ट ईयर अच्छी तरह अपने जो बीटेक आप कर रहे हैं ये करके करने के बाद आप जा सकते हैं, मगर वहां पे भी थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आपको अभी रहेगी। और जो आप कह रहे हैं सेटल का, तो इस सेटलमेंट जो है वो आपकी लाइफ के अंदर 2021 के बाद आएगी, 2000 सॉरी 2022 के आसपास आएगी। तब तक आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी आप 2019 के अंदर अपनी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप फॉरेन जाएंगे और फॉरेन जाने के बाद आपको सेटलमेंट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आपके प्लान्स ऐसे हैं जो आपको एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ट्रेवल करवाएंगे। तो वो ट्रेवल करवाएंगे तो आप थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे या अनस्टेबल हो जाएंगे, आपको एंग्जाइटी बढ़ेगी कि क्या जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस कंफ्यूजन में आप रहेंगे। अभी भी आप अगर आप मेरे पास भी आए हुए हैं तो हो सकता है आप ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप इससे सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगी, आप एक दो जगह और जाएंगे, क्योंकि अभी अनस्टेबिलिटी आपको ये तंग करेगी। तो ये जो अनस्टेबिलिटी आपको तंग करेगी ये आपको अभी थोड़ा सा ट्रेवल और करवाएगी। हो सके तो अगर आपका बजट हो तो आप रुद्राक्ष एक अच्छा सा पहनिए, आप अच्छा सा पहनिए, वो भी आपको थोड़ा सा एक एब्जॉर्ब करने की, जो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने की शक्ति देगा। नेगेटिव आपके साथ कुछ नहीं है, सिर्फ आप किसी के साथ भी कुछ काम करने की सोचते हैं या कभी आप अफेयर्स में भी कह सकते हैं थोड़ा सा आपको धोखा जिसे कहते हैं वो मिल जाता है, क्योंकि आप कई बार जो एक्सप्रेस करते हैं वो जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं। सामने वाले को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती तो जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना भी आपका कई बार लॉस का काम कर देता है। तो कोशिश कीजिए कम से कम बोलें, और जो इन्फॉर्मेशन अगर सामने वाला कोई पूछता है तो वही उतनी ही इन्फॉर्मेशन दे। तो आप अपनी थोड़ी सी एंग्जाइटी को कंट्रोल कीजिए, आपकी लाइफ में आगे अच्छा ही होगा। अगली रिक्वेस्ट लेते हैं। अगली रिक्वेस्ट आई है हमारे पास मटीन जी की, ये पाकिस्तान से रिक्वेस्ट आई है इनकी। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन है अबाउट मैरिज लव एंड करियर। अब मैरिज के बारे में क्या जानना चाहते हैं, मैरिज अच्छी होगी मैरिज बुरी होगी, लव करियर मैं कैसे बताऊं जी। मैं हमेशा इनको यही बात कहता हूं कि आप क्वेश्चन पूछिए तो लव के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं। चलिए मैं इनकी एक बार डेट ऑफ बर्थ फिर भी लगा के देख लेता हूँ, शायद कोई सवाल मुझे ही नजर आ जाए। माफी चाहूंगा मदीन जी, मुझे कुछ आपके चार्ट देख के ऐसा कुछ नहीं पता चल पा रहा जिससे मैं क्या प्रिडिक्ट करूंगा जी। इसमें आप क्या जानना चाहते हैं, लव के बारे में है तो लव के बारे में प्रॉपर क्वेश्चन पूछिए कि आपको लव मैरिज के बारे में पूछना है या आप जिससे लव करते हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। लव आपकी लाइफ में आ रहा है मगर आपके साथ इंस्टेबिलिटी बहुत आ रही है, आप रिलेशंस के अंदर स्टेबल नहीं हो पा रहे, आपको ये कंफ्यूजन चल रही है कि क्या वो जो रिलेशन है वो ठीक है या नहीं है, कुछ कॉन्फिडेंस जो है वो आपका डाउन हो रहा है, ये सब तो मैं देख पा रहा हूँ, मगर जब तक आप क्वेश्चन प्रॉपर नहीं लिखेंगे मेरे लिए जवाब देना मुश्किल है। तो माफी चाहूंगा जी, मैं इसमें इतना ही कह पाऊंगा मैं आपको। अब मैं अगली रिक्वेस्ट लेता हूँ मैच मेकिंग की। मैच मेकिंग की वीडियोस में जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उसमें पर्ल नाम से किसने रिक्वेस्ट भेजी थी जिसमें मेल और फीमेल की हॉरोस्कोप भेजी है मुझे, तो मैं दोनों का मैच मेकिंग आपको बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं मेल की। पर्ल जी इसमें जो मेल आपने हॉरोस्कोप भेजी है वो मैं बताना चाहूंगा कि
अथॉरिटेटिव है इसके अंदर मेल मेल अथॉरिटेटिव है, उनको अथॉरिटी बहुत पसंद है, गुस्सा भी हम कह सकते हैं जल्दी आ सकता है, मगर एक कमांड भी है, किसी चीज को लीड करने की एक कमांड भी है कि कमांड लेके साथ चलना, दूसरा स्टैंड ले लेना, तीसरा अगर मैं और ध्यान से देखूं तो प्रॉब्लम्स तो उनके साथ घर के अंदर रहेगी, हाँ फैमिली डिस्टरबेंस उनके साथ है, ये प्रॉब्लम रहेगी। तो अगर आप उसकी तरफ जा रहे सोच रहे हैं तो क्योंकि फैमिली डिस्टरबेंस का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक कुछ मेडिकली भी प्रॉब्लम की, मेडिकली भी कुछ बाय बर्थ प्रॉब्लम इनको हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस भी, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा परेशान कर देगा इनको। और इस टाइम पे अगर हम बात करें, ये टाइम फिर थोड़ा थोड़ा सा पॉजिटिव है पहले से, मगर लास्ट ईयर इनका थोड़ा सा डिस्टर्ब था, हो सकता है ये रिलेशंस में लास्ट टू लास्ट ईयर आपके साथ हो। और अगर हम बात करें तो थोड़े से हार्डवर्क इनकी लाइफ के अंदर आया हुआ है और थोड़े से रुकावटें भी इनकी लाइफ में भी चल रही हैं। तो या तो आप थोड़ा सा टाइम का गैप लेना चाहें तो आप गैप ले सकते हैं, मैं एक बार फीमेल हॉरोस्कोप भी देख लेता हूँ। हॉरोस्कोप के हिसाब से इसमें फीमेल हॉरोस्कोप थोड़ी स्ट्रांग है, फीमेल हॉरोस्कोप थोड़ी सी स्ट्रांग है, लक फैक्टर भी है जो कि इस टाइम पे थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, इस टाइम पे थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। लास्ट ईयर फीमेल हॉरोस्कोप का भी ठीक नहीं था, काफी एंजाइटी और काफी अपने आप को, हाँ, 2 साल से मैं देख पा रहा हूँ, 2 साल से काफी परेशानियां चल रही हैं, जो नहीं भी सोचा जा रहा वो भी हो रहा है, और कुछ एक कमिटमेंट्स जो हैं, कमिटमेंट्स करने की कंफ्यूजन है कि क्या ये कमिटमेंट, एक इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी इज द राइट वर्ड मैं कहूंगा कि इस टाइम लाइफ के अंदर इनसिक्योरिटी बहुत आई हुई है और अनस्टेबिलिटी बहुत आई हुई है, क्योंकि जो डिसीजन आपने लिया भी है आप उसमें श्योर नहीं है कि आप वो सही करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं वही कहना चाहूंगा, अगर आप फीमेल हॉरोस्कोप में फिर थोड़ा सा अच्छा स्कोप है, जो अगर अगर ये 2019 आप रुक सकें तो हम कह सकते हैं कि ये फिर थोड़ा सा मैच मेकिंग थोड़ा सा बेटर हो जाएगा अभी के मुकाबले। अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई रिलेशन में मतलब इसको अगर आप वो करना चाहें, जिसे कहते हैं हम मैरिज में कन्वर्ट, तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा ये फैमिली प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा, फैमिली प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखिए अगर मेल पॉइंट से देखें तो ये कुंडली बहुत अच्छी है, सपोज अगर मैं मेल हूं और मेरे पास, अगर मुझे मैरिज करनी है फीमेल से तो मैं कहूंगा मेरे लिए बेटर है, मगर अगर फीमेल पॉइंट से देखा जाए तो ये कुंडली मैं कहूंगा कि नहीं है मैच मेकिंग, अच्छा सही मैच मेकिंग नहीं है, क्योंकि फीमेल फीमेल को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसीलिए मैं इस मैच मेकिंग को के बारे में इतना ही बताना चाहूंगा कि बाकी फैसला आपने अपने अपने माइंड के हिसाब से कीजिए। मैंने आपको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव्स बता दिए हैं, मेल पॉइंट से बहुत अच्छा है, अगर आप मेल हैं तो ये शादी करना, ये रिलेशन मेंटेन करना बहुत अच्छा है, अगर आप फीमेल हैं तो मैं थोड़ा सा कहूंगा कि इसमें हिचकिचाहट हो सकती है। तो अगली हॉरोस्कोप देखते हैं, अगला मैच मेकिंग है हमारे पास, रोज के नाम से है अगला मैच मेकिंग, रोज जी जैसे कि मैं देख पा रहा हूं इसमें मेल जो हॉरोस्कोप है वो थोड़ी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली हम कहेंगे तो पैसे की दिक्कत इनको नहीं आएगी, फाइनेंशियली ये काफी स्ट्रांग कुंडली है, फाइनेंशियली भी रहेगी और थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं प्रॉपर्टी वाइज भी रहेगी, तो फाइनेंशियली ये कुंडली स्ट्रांग है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, और थोड़ी सी डिस्टरबेंस हम कह सकते हैं कि
शादी के बाद छोटी मोटी जो होती है वो तो चलती है जी, अगर वो नहीं चलेगी तो फिर लाइफ भी नहीं चल पाएगी। तो हम ये कहेंगे कि हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियली देखा जाए तो फाइनेंशियली ये हॉरोस्कोप स्ट्रांग रहेगी, और एज सच अभी ऐसा कोई वो नहीं है जिसे हम कहें कि हार्ड टाइम था इनकी लाइफ के अंदर। इस टाइम भी थोड़ा सा हार्ड टाइम इनका चल रहा है, इमोशनली थोड़े से इस टाइम पे ये वीक हुए हैं, वैसे इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं। जो भी काम करते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड से ही करते हैं, मगर इस टाइम पे इमोशनली मैं कहूंगा थोड़े से वीक हुए हैं और ये डिसीजंस नहीं ले पा रहे। तो अगर आप शादी का सोच रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ये जुलाई अगस्त थोड़ा सा निकलने दीजिए, इसके बाद अगर आप शादी की तरफ सोचते हैं तो आपके लिए बेटर होगा, वो टाइम आपके लिए फिर थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, तो वो शादी के लिए ठीक है मेल की तरफ से। अब मैं मतलब अगर आप फीमेल हैं तो अगर मेल को हॉरोस्कोप चेक करा रहे हैं, तो अब मैं बात करता हूं कि अगर आप मेल हैं और फीमेल के लिए आए हुए हैं पूछने के लिए, तो फीमेल में इसमें हम कहेंगे कि थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा है, कमांडिंग भी है, गुस्सा भी ज्यादा है, कमांडिंग भी है, और जिसे हम कहें कि थोड़ी सी लाइफ इनकी हार्ड रह सकती है, थोड़ी कंफ्यूजन भी होती हैं, मगर ये इसमें भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वर्क कर रहे हैं। सपोज अगर आपका वर्क साइंटिस्ट की तरह है या लोगों की हेल्प करना है, तो आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी पॉजिटिव वे में चली जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे इनका राहु बहुत स्ट्रांग है। अब राहु स्ट्रांग होने के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। फायदे इसमें ये होते हैं कि आप लोगों की हेल्प के लिए बने हो, आप कुछ ऐसा काम करोगे जिसमें लोगों को हेल्प होगी, जिसमें लोग फायदा उठाएंगे, लोगों को फायदा होगा, उठाएंगे नहीं, लोगों को फायदा होगा। तो अगर आप इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप हाउसवाइफ हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं और आपसे किसी को कोई फायदा नहीं पहुंच पा रहा, तो ये आपकी अपनी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर मेल पॉइंट से पूछा जाए कि अगर आप मेरे पास मेल आए, मेरे पास कुंडली हॉरोस्कोप चेक करवाने, तो मैं ये कहूंगा कि हॉरोस्कोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा अथॉरिटी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि पावर थोड़ी सी उनको देनी पड़ेगी, थोड़ा उनको समझना पड़ेगा, और थोड़ा समझना पड़ेगा, और लाइफ में आपका आपका सपोर्ट उनको जरूर चाहिए होगा, क्योंकि उनको सपोर्ट आपका चाहिए होगा। आपके सपोर्ट के बिना अगर आपका सपोर्ट कहीं भी उनको ढंग से नहीं मिल पाया, फिर आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर मेल समझदार हैं और समझ रहे हैं कि किस तरीके से हैंडल करना है, तो आप इस मैच मेकिंग को मैं कहूंगा कि ये ठीक मैच मेकिंग जा सकती है। तो मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिए, फैसला क्या करना है वो आप देख सकते हैं, और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो मैं जब लाइव एस्ट्रोलॉजी करूंगा उसमें आप पूछ सकते हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं। तो बस इस मैच मेकिंग में इतना ही, आज के रिक्वेस्ट में इतना ही। आप और भी कुछ मैच मेकिंग की रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए मैच मेकिंग वाले वीडियो में डालिए कि ये तो रिक्वेस्ट कम थी तो मैंने इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर ले ली। और कोई फ्री एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर रह गया हो नाम तो आप अपने इस वीडियो के अंदर डाल सकते हैं, और मैं कोशिश करके उस नाम की भी फ्री सर्विस दे दूंगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेल्स कम से कम कीजिए, क्योंकि मेल्स के हम नाम नहीं ले पाते। आप कोशिश करके जितने भी आपकी मेल्स हैं आप इसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं फ्री सर्विस दे दूंगा। मेल्स में हमारी मतलब एक अलग सर्विस चलती है जिसमें पेड क्लाइंट चलते हैं, तो वो प्रीमियम सर्विस आती है, तो इसलिए हम उसमें जवाब कई बार नहीं दे पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।